हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरे सामने केवकंद का पौधा। ये केवकंद का पौधा का प्रयोग विशेष रूप से कुष्ठ रोग के इलाज के लिए किया जाता है और केवकंद स्वाद में तीखा और मधुर कटु होता है। ये कफ और पित्त शामक होता है। ये वात कारक होता है और पचने में ग्राही और मलरोधक होता है। मलरोधक तो ये बुखार, कुष्ठ रोग, रक्त दोष, रक्त पित्त, श्वास अरुचि और डायबिटीज नाशक होता है। ये पाचक और बलकारक होता है। यह रक्त विकार जैसे रक्त का पतला होना और डायबिटीज है, अपच है, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, गठिया, कमर दर्द में फ़ायदा पहुंचाता है। अगर कानों में किसी प्रकार का संक्रमण है तो केवकंद के रस को 2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलता है। मुंह के छाले हैं तो मुंह के छालों के लिए केवकंद का काढ़ा बना के पीने से, गरारा करने से मुंह के छाले की समस्या में लाभ मिलता है। पेट में कीड़े होने पर 5 से 10 मिलीग्राम केवकंद के रस में शहद मिलाकर पीने से पेट के कीड़े से आराम मिलता है। और केवकंद को भूनकर इसमें शक्कर और इमली मिलाकर चटनी जैसे बनाकर खाने से पेचिस और पाचन तंत्र से जुड़े अन्य रोगों में लाभ मिलता है। मूत्र और किडनी से जुड़े विकारों के इलाज के लिए केवकंद के तना का काढ़ा बनाकर पीने से पेशाब की जलन और किडनी विकार में लाभ मिलता है। और पथरी की समस्या से अगर जुड़े हैं तो पथरी की समस्या में 5 मिली केवकंद की जड़ के रस को पीने से पथरी या पित्ताशय वाली जो पथरी होती है वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। गठिया बात वाले लोगों के लिए 1 से 2 ग्राम केवकंद की जड़ को चूर्ण बनाकर खाने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। डायबिटीज़ में केवकंद का काढ़ा बनाकर पीने से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है। त्वचा रोग में केवकंद के कंद को पीसकर त्वचा में लगाने से लाभ मिलता है। बुखार है या सर्दी है, खांसी है तो इसमें केवकंद के रस का सेवन करने से जल्दी ठीक हो जाता है। और केवकंद का अधिक से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके गर्भवती महिलाओं को उसका सेवन नहीं करना चाहिए वरना नुकसान भी हो सकता है। और इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, एक लाल डंठल वाली, एक सफ़ेद वाली। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाल डंठल वाली है। इसमें इसके जो पत्ते होते हैं सीढ़ी नुमा होते हैं, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, एक के बाद एक इसी तरह से इसके पत्ते भी होते हैं। और जो सफ़ेद डंठल वाली होती है उसकी पत्तियाँ सीधी सीधी होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें रहता है डिफरेंस, लेकिन प्रभाव एक समान ही होते हैं लगभग दोनों प्रजातियों के। और आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।